हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो YouTube के बारे में है। जो लोग YouTube में अपना करियर बना रहे हैं या YouTube को एज ए करियर देख रहे हैं। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, तो उसका सीधा सीधा पर्पज़ ये है। जैसे कि आपने थंबनेल को देखा होगा कि एडसेंस अकाउंट को लेके बहुत सारे यूट्यूबर्स को दिमाग में क्वेश्चन है कि गूगल एडसेंस से अगर अटैच नहीं होता है यूट्यूब अकाउंट तो उनकी इनकम नहीं होगी। दूसरा एक क्वेश्चन है कि अगर एडसेंस अकाउंट ब्लॉक हो जाए, सस्पेंड हो जाए, डिसेबल हो जाए तो आगे वो कैसे काम करें। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप 4000 आर 1000 सब्सक्राइबर और 10000 व्यूज़ की जो लिमिटेशंस हैं जो कि YouTube ने बनाई हैं, अगर आप वो पूरा कर चुके हैं तो आपका चैनल ज़रूर मोनेटाइज होगा। आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो अप्लाई कर दीजिएगा। दूसरी बात, अब ये सवाल है, जिन लोगों ने एडसेंस अकाउंट पहले अटैच किया था उसके बाद उनका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो गया, डिसेबल हो गया, टर्मिनेट हो गया और उनकी यूट्यूब से इनकम रुक गई, तो वो क्या करें। दोस्तों मैं अपनी घटना बताता हूँ। अगस्त 2017 में मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल का जो एडसेंस अकाउंट था वो डिसेबल हो गया था, मतलब सस्पेंड कर दिया था कंपनी ने। मुझे एक ऑफिशियल मेल लिखा था कि हम आपका अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं ड्यू टू इनवैलिड क्लिक्स, लेकिन मेरे चैनल पे कोई भी इनवैलिड क्लिक नहीं था। मैंने उनको अपील किया, उन्होंने मेरे चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं किया, मेरा एडसेंस रीइंस्टेट नहीं किया। 2017 से मैंने 18, 19, 2020, अब 2020 चल रहा है, 2020 अप्रैल में मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट रीइंस्टेट कर दिया कंपनी ने और मेरे यूट्यूब चैनल पर इनकम शुरू हो गई है। थोड़ा शॉकिंग है ना। जिस टाइम उन्होंने मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट सस्पेंड किया था उस टाइम पर मेरे पास बहुत कम सब्सक्राइबर थे। आप ये चेक कर रहे होंगे स्क्रीन में, अब मेरे पास 30 सब्सक्राइबर हैं और ये जो बीच का जर्नी है ये मैंने बिना YouTube पे एक पैसा अर्निंग के अर्न किया है मैंने YouTube पे। आप ये मान के चलिए कि मेरे कितने कम सब्सक्राइबर थे उस टाइम पर। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम्हें एक नया चैनल बना लेना चाहिए और उस नए चैनल पर काम करना चाहिए। उनकी बात को सुनकर मैंने एक नया चैनल बनाया भी था, उस पर काम भी किया था, उस पर 1000 सब्सक्राइबर हैं आज के टाइम में, लेकिन वो 4000 आवर्स की लिमिट को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 2017 में, अगस्त 2017 में सस्पेंड हुआ अकाउंट और गूगल एडसेंस को मैंने 2017 में लिखा, 18 में लिखा रिव्यू करने के लिए कि आप गूगल एडसेंस का रिव्यू कीजिए, एक बार चैनल का रिव्यू कीजिए और देखिए कि मेरे चैनल पर कोई भी इनवैलिड क्लिक नहीं है। उसके बाद गूगल ने मेरे को रेगुलर मेल्स में लिखा कि वी आर अनेबल टू रीइंस्टेट योर अकाउंट, वी आर अनेबल टू रीइंस्टेट योर अकाउंट। एक बार तो ऐसा आया कि मैंने एक मेल फॉरवर्ड किया और अगले ही 2 सेकंड में मेरे पास मेल रिवर्ट में आ गया कि वी कांट रीइंस्टेट योर अकाउंट। मतलब मैं ये मान चुका था कि अब यूट्यूब ने रिप्लाई में जो मेल करता है कि आपका मेल हमें मिला है, हम उस पर फोकस करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको 72 आवर्स में या 48 आवर्स में देंगे, वो नहीं आता था। आता था वी विल नॉट रीइंस्टेट योर अकाउंट। तो मैं समझ गया कि गूगल ने ऑटोमेटिक मोड में डाल दिया है ये रिप्लाई कि आप रिप्लाई करेंगे, मतलब मैं मेल लिखूंगा कि प्लीज़ रिव्यू माई अकाउंट, प्लीज़ रिव्यू माई चैनल, और वो सीधा मुझे वो मेल फॉरवर्ड कर देंगे। 2017 से 2018 हो गया, 19 हुआ। दोस्त एक साल में 12 महीने होते हैं, जरा ध्यान रखिएगा, मेरा पेशेंस देखेगा कितना था। 2018 में मैंने सेम एक्टिविटी रखी, वीडियो बनाने चालू रखे, वीडियो डालता रहा, खुद को मोटिवेट करता रहा। 2020 आया, 2020 19 18 के बाद 19 आया, 20 आया, 20 में भी मैं अपने आप को मोटिवेट करता रहा, 38000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया बिना किसी सिंगल अर्निंग के। लेकिन उसके बाद ही मैंने हिम्मत नहीं हारी। 2020 को मैंने फिर उनको ईमेल लिखा, जनवरी फरवरी में उन्होंने फिर मेरे को मेल लिखा कि वी कांट रीस्टेट योर अकाउंट। दोस्तों मार्च में मैंने उनको लास्ट ईमेल लिखा, लास्ट मैंने उनको अपील सबमिट की
उस अपील में मैं जो पहले लिखता था मैंने सेम वही चीज़ें उनको लिखी और उन्होंने मेरा अप्रैल में मेरा अकाउंट रीइंस्टेट कर दिया, चालू कर दिया। अब मेरा अकाउंट गूगल एडसेंस से लिंक है, मोनेटाइजेशन ओके है, एडवर्टाइजमेंट आ रही है। तो दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको कि जो यूट्यूब है वो ऑर्गेनिक सर्च पे डिपेंड करता है। आपके जो चैनल पर ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं उनको देख के आपको अर्निंग होती है। एक चीज़ और बताता हूँ, कभी भी अपने चैनल पर किसी से भी कह के वीडियो मत दिखवाइएगा। किसी को भी अपने WhatsApp से शेयर जरूर कीजिएगा, मैं शेयर को मना नहीं कर रहा, अपने Facebook अकाउंट पर लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत कीजिएगा जिससे आपके अकाउंट में इनवैलिड क्लिक की एक जो उनका जो ट्रांसपेरेंसी है वो हेल्ड अप हो। दूसरी बात, यहाँ पर सभी यूट्यूबर्स के दिमाग में एक बात है कि 2017, 18, 19 और 20 लगभग दोस्तों पौने तीन साल हो गया, पौने तीन साल में बिना सिंगल अर्निंग के मैंने चैनल को 38,000 तक लेकर आया हूँ और आगे ये चैनल अब आगे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने यूट्यूब में एक चैनल बनाया है तो आप ये भूल जाइए कि आपने पैसे के लिए बनाया है। दूसरी बात, फेम जरूर मिलेगा आपको, आपकी पहचान जरूर बनेगी यूट्यूब से, लेकिन अगर आपकी अपील में दम है, आपने कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी नहीं की है, तो दोस्तों आपका एडसेंस अकाउंट ब्लॉक होने के बाद में रीइंस्टेट जरूर होगा। ये आप लिख के ले लीजिए, मान लीजिए, लेकिन यूट्यूब के साथ रेगुलर काम करते रहिएगा, रेगुलर अपने वीडियो अपडेट कीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि व्यूज़ की। लोग ये कहते हैं कि मेरे चैनल पर अगर 50,000 सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल पर व्यूज़ 100 क्यों हैं, मेरे वीडियो पे 100 व्यूज़ क्यों आते हैं। तो दोस्तों इसका एक बहुत जो मैंने देखा है, अगर आपके चैनल पर 200,000 सब्सक्राइबर हैं और 200,000 सब्सक्राइबर आपके पास व्यूज़ आते हैं 1,000, 1,500, तो दोस्तों इसका पॉलिसी ये है कि जब यूट्यूब पे आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब ये देखता है कि आपके वीडियो को एवरेज कितने मिनट या कितने सेकंड आपके वीडियो को देखा गया है। अगर आपका वीडियो 90% से ज़्यादा देखा गया है तो यूट्यूब उसे खुद प्रमोट करता है और यूट्यूब जो नोटिफिकेशंस है वो सब्सक्राइबर को भेजता है। और अगर यूट्यूब में आपका एवरेज व्यूज़ कम है और कम लोग आपकी वीडियो को लाइक करते हैं तो उनके पास सब्सक्राइबर के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, रेयर केस में। तो यहाँ पर सारी बात है कि आप जो भी कंटेंट पब्लिश करें वो ऐसा कंटेंट पब्लिश करें जिसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन, मतलब आपकी वीडियो पे कोई एक बार आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपकी वीडियो पे रुके, एकदम स्किप करके आगे ना निकल जाए। आई होप कि आप YouTube के साथ जुड़े रहेंगे और अगर आपका एडसेंस ब्लॉक हो गया तो दोस्तों हिम्मत मत हारिए, काम करते रहिए और रेगुलर उनको अपील करते रहिए। हर 2-3 महीने में YouTube जरूर सुनेगा और आपका चैनल, अगर आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया है, सस्पेंड हो गया है, तो आपका मोनेटाइजेशन जरूर मतलब चालू हो जाएगा, लेकिन अपील करना मत छोड़िएगा दोस्तों, अपील जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही वीडियो साथ, तब तक दोस्तों हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।